आज मैं फिर आ गया हूँ एक नया कार वॉशर के साथ। ये देखो, ये है QTP शक्ति बाय स्टार क्यू। ये मॉडल नंबर है Q5। तो दोस्तों, मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। प्लस देखो, कार जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। ये देखो, पूरा डस्ट पड़ा, पता नहीं लगता है एक दो महीने से वॉश नहीं किया होगा कार को। देखो, बहुत ज़्यादा गंदा है दोस्तों। ये देखो अंदर, देखो कितना ज़्यादा मट्टी आपको दिख रहा है। देखना बिल्कुल एकदम चकाचक क्लीन कर लेंगे। देखो, अब देखते हैं मशीन के प्रेशर में कितना दम है और कितना आसानी से क्लीन करता है, हम वो देखने वाली बात होगा। तो हम इस गंदे कार को आज वॉश करेंगे। मेरा इस ये जो नया कार वॉशर है Q5 जो कार वॉशर है, इससे हम इसको वॉश करने वाले हैं। बाकी इसका जो प्रेशर कैसा है, पावर कैसा है, वो हर चीज़ आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। बाकी देखो, इसमें कुछ लिखा है। देखो, इसमें ये 2500 वाट्स लिखा है, प्लस ये जो 300 वाट लिखा है। मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा बार होंगे, है ना। ये मैक्सिमम बार इतना लिखा है, बाकी प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस करके देखेंगे इसमें कितना ज़्यादा प्रेशर इसमें आता है। बाकी सही गलत वो भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आपको जल्दी से अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या सामान आता है, प्लस आपको एसेंबल करके दिखाता हूँ, बाद में आपको प्रेशर टेस्ट करके दिखाता हूँ। चलो जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते फटाफट, क्योंकि मुझे तो पता है ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये मैनुअल बुक है और ये इनलेट फिल्टर है। चलो इसको मैं साइड में रखता हूँ। ये नॉर्मली गन वगैरह हैंगिंग करने के लिए दिया है कुछ नया, ये अच्छा है। एक नॉर्मली तो हमको गन हमेशा नीचे फेंकना पड़ता है, आपको तो पता ही है। और मैं आपको देखना, मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि किस तरह का है। यस, इसमें फोम कैनल लग जाएंगे, मतलब गन तो सही दिया है। कुछ कुछ गन में क्या था, ये जो थ्रेड है ये अंदर साइड में रहता है, तो उसमें फोम कैनल लगाने के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाता है। वो एडेप्टर वगैरह ठीक से मिलता नहीं, परेशानी होता है। तो कुल मिला कि इसमें तो सही दिया है गन। ओके, बाकी पाइप जो है वो होस पाइप, देखो ये नायलॉन का है, वो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ओ भाई साहब, ये देखो इसमें एक्सटेंशन रॉड भी दिया है छोटा सा, ठीक है। नॉर्मली इसे गन के आगे इसको ऐसा लगा सकते हैं, अगर आपको लंबा गन चाहिए, अगर आप फ्लोर वगैरह क्लीन कर रहे हो, तो इसके लिए आप इसको ऐसा यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको तो पता है मुझे लंबा गन उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं छोटे से ही काम चलाता हूँ, तो इसको मैं अभी खोल के रख देता हूँ, है ना। अगर आपको चाहिए तो अपना ऐसा एक्स्ट्रा लगा सकते हो। देखो इसको ऐसा लगाने का है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऐसा लग जाएगा, इसके आगे ये लग जाएगा। देखो ये गन हो गया लंबा, है ना। तो मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, नॉर्मली मैं ये छोटा गन ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। और ये है इनलेट फिल्टर, जैसे अगर बाल्टी से अगर आप यूज़ कर रहे हो ऐसा पानी, अगर सेल्फ प्राइमिंग मशीन है, मशीन खुद से पानी खींच लेगा ऐसा है, तो अगर आपको ऐसा फिल्टर लगाने तो आप लगा सकते हो। डायरेक्टली खाली पाइप से सीधा ऐसा मत करना, क्योंकि मशीन के अंदर कचरा जा सकता है, इस वजह से ये फिल्टर लोगों ने दिया हुआ है। बाकी ये सोप डिस्पेंसर है, बकवास, कुछ काम का नहीं है, मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। इसका भी यूज़ करो, अगर आपको फोमिंग ही करना है तो आप अलग से ऐसे फोम कैनन खरीद के उसको यूज़ कर सकते हो, या तो आप सीधा बाल्टी में थोड़ा सा एक ढक्कन शैम्पू डालो और मस्त ऐसे प्रेशर वाशर से मारो, उसको फोम बिल्कुल बाल्टी के अंदर ही फोम बन जाता है। और उसको कैसा बनाना, तो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में, पुराना वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें बना के बाल्टी में फोम आप कैसा बना सकते हो। बाकी ये कुछ काम का नहीं, इसको मैं हमेशा फेंक देता हूं, ऐसे बेकार है। अच्छा वाओ, ये एक अच्छा चीज़ दिया है, अगर आपके घर के नल पे लगाना है, टैप में लगाना है, तो आप इसको ऐसा लगा सकते हैं। ये देखो, जैसे कि नॉर्मल ये फिल्टर के लिए और ये घर के टैप के लिए। ओके, इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। और ये देखो, ये जो मशीन में लग जाएंगे इनलेट पाइप, है ना। तो ये करीब कितना मीटर दिया है देखता हूँ मैं, एक मीटर, चलो 2 मीटर ये पाइप दिया है, तो काफ़ी अच्छा लंबा पाइप दिया है। कभी किसी किसी मशीन में तो बिल्कुल इतू सा पाइप देता है, ये नाम से देता है वो लोग, तो ठीक है लंबा पाइप है, अच्छा है। और क्या दिया है, इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। बाकी ये है मशीन। ओके, इसमें और कुछ भी नहीं है, चलो ये खाली बॉक्स है, इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। बाकी हमारा मेन काम का चीज़ तो ये है। यस, ये देखो ज़बरदस्त दिख रहा है, एकदम लुक वाइज देखो बहुत ही सही है। और ये देखो, ये ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, और देखो यहाँ पर ये मीटर दिया है। मैं आपको मीटर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखो इसके अंदर लिक्विड रहता है, कुछ लोग सोचते हैं इसके अंदर पानी घुस गया, नहीं, एक्चुअली लिक्विड की वजह से क्या होता है, जो जब मशीन चलता है ना, तो बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन होता है ना अंदर से, तो मीटर खराब ना हो जाए, इस वजह से वो लिक्विड दिया रहता है, ताकि वो इजीली इसको स्मूथली ऐसा काम करे वो मीटर, इस वजह से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो ये जो इनलेट फिल्टर है, हम इसको ऐसा लगा लेंगे। ये देखो ये लग गया है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये साथ में एक पिन दिया है, इस पिन का क्या काम है। देखो कभी कभी क्या होता है, अगर एक गन के अंदर कचरा आ गया, अगर मशीन आपका नहीं चल रहा किसी भी वजह से, तो आप इसको ऐसा साफ कर सकते हो इस पिन से ऐसा। ये देखो ऐसा आर पर डाल देना ऐसा पिन, नोजल ऐसा क्लीन हो जाएगा, क्लीन होने के फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हो मशीन में, ऐसा गन में ऐसा लगा के, तो पिन इस वजह से देता है, नोजल क्लीन करने के लिए देता है इसको। ये देखो, ये हमने तो इनलेट यहाँ पर लगा दिया, और बाद में दूसरा ये जो है ये इनलेट पाइप भी इसको ऐसे लगा देंगे। तो कैसे लगाते हैं ये देखो, मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। हमेशा बहुत लोग इस सेम चीज़ में अभी भी गलती कर रहे हैं, 1000 बार बताने के बाद भी, इसको ऐसा डालो, ऐसा ऐसा कट करके जोर से आवाज़ आना चाहिए, मतलब वो प्रॉपर लॉकिंग होगा। अब इसको पाइप कैसे खींचने से भी बाहर नहीं आएगा बाबा, इसको ऐसा करना है, डिसमेंटल करना है इसको, ऐसा इसको पीछे लो, ऐसा इसको पीछे लेकर ऐसा खींचो, ईजिली बाहर आ गया, है ना। तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना है, तो इसको वापस से लगाना है इसको ऐसा,
देखो पुश करो कट करके लग गया। तो हम तो ये वाला पाइप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मली घर के अंदर से हमने दूसरा, हमारा तो नॉर्मली गार्डन पाइप है लंबा पाइप, हम उसको डायरेक्टली यहाँ पर लगाएंगे। ये पाइप और वो पाइप बिल्कुल मोटाई में सेम है तो हम उसको यूज़ करेंगे क्योंकि छोटा पाइप होगा नहीं, मेरे घर के अंदर से कैसे लाएंगे, तो मैंने लंबा पाइप लेकर आया हूँ। बाकी दूसरा जो ये आउटपुट साइड जो है वो ये साइड हम अभी इसको होज पाइप कनेक्ट कर लेंगे। आप सोचते होंगे मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ, बस एक ही कारण इतना जल्दी बोलने का, इतना जल्दी कुछ दिखाने का, क्योंकि मैं वीडियो का काफ़ी लंबा नहीं बनाऊंगा और प्लस आपको तो पता है कि आप लोगों का जो टाइम है उसका मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी ये सब करके दिखाता हूँ। ओके ये देखो ये आउटपुट लग चुका है। बाकी पाइप जो है काफ़ी लंबा दिया है, आपको कार वॉश करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कार के पूरा पीछे तरफ भी चला जाएगा, पूरा उस पर भी जाएगा, इतना लंबा पाइप है तो अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको वॉशिंग करने के लिए दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो कुछ कुछ मशीन में इतना ऐसा रहता है, इतना छोटा सा पाइप देता है आपको मशीन लेकर के चारों ओर घूमना पड़ता है, तो ऐसे इसमें ऐसा दिक्कत नहीं आएंगे। ओके बाकी दूसरा साइड जो आपको ऐसा यहाँ पर लगा लेना है, ये ऐसा फिक्स कर लेना है। ये देखो मशीन हमारा तुरंत रेडी हो गया। और ये देखो ये जो रेड कलर का जो ये होल्डर है हम इसको यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। ये देखो ये हो गया, और बाद में हमारा जो गन है इसको हम ऐसा रख देंगे। वाओ ये देखो मशीन हो गया रेडी है ना। चलो अब हम परफॉर्मेंस इसका टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों देखो मैंने पावर सप्लाई दे दिया, बाद में अंदर से जो ना पाइप का कनेक्शन भी लेके आया हूँ। अब हम क्या करेंगे, मशीन को चालू करने से पहले आगे का नॉजल इसे खोल लेंगे ऐसा, ताकि जो भी कचरा वगैरह फर्स्ट टाइम नया जो मशीन है उसको निकल जाने दो। तो ऐसे गन को ऐसा प्रेस करेंगे, ये देखो हवा निकल रहा है, देखा ना। ओके तो हम इसको क्या करेंगे, अभी इसको मशीन को ऑन कर देंगे। ये भाई मशीन एकदम साइलेंट मोटर है, ये एक अच्छा बात है, ज़्यादा कुछ नॉइज़ी नहीं होगा। ऐसा प्रेशर तो लग रहा है, अच्छा होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। पूरा प्रॉपर ऐसा क्लीन पानी निकल जाने दो। ओके मशीन बिल्कुल एकदम साइलेंट है, ऐसे तो चाहिए मुझे, फिलहाल तो अच्छा ही लग रहा, पॉजिटिव साइन है। अभी देखते प्रेशर कितना ज़्यादा है उससे मालूम पड़ेगा, खाली साइलेंट होने तो नहीं हो जाएगा ना, प्रेशर में दम होना चाहिए। ओहो ये देखो प्रेशर जबरदस्त, कीचड़ वगैरह उखाड़ पाएंगे देखता हूँ। ये देखो वाओ सही है, अच्छा प्रेशर है। ये देखो वाओ। दोस्तों मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर पॉइंटेड है ना तो आप गलती से भी सामने हाथ मत रखना, आपका हाथ छेदा कर देंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है ना, आपको इस बात को हमेशा ख्याल रखना है। तो अगर आपको सामने हाथ देना है तो ऐसा स्प्रेड करना है इसको, ऐसा स्प्रेड करने के बाद ही आप ऐसा हाथ दे सकते हो सामने, लेकिन पॉइंटेड में कभी हाथ मत देना सामने इसके प्रेशर के सामने। दोस्तों ये देखो इसका प्रेशर देखना चाहोगे, देखना कैसा पूरा बॉक्स को छेदा कर देगा वो। अरे ये तो स्प्रेड है, स्प्रेड में तो छेदा नहीं कर पाएगा ना, तो हम इसको पॉइंट कर लेते हैं। इसलिए मैं बोला स्प्रेड में हमेशा उसका क्या होता है, प्रेशर का जो है ना वो मतलब डिवाइड होता है उसका प्रेशर, इस वजह से ना वो ठीक से छेदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन पॉइंटेड में क्या होता है पूरा फुल प्रेशर एक ही जगह पर रहता है ना, देखना कैसा छेदा कर देगा। ये देखो देखते पल भर में देखना छेदा कर देगा। ये देखो ये हो गया छेदा, इतना प्रेशर है इसमें। चलो मैं आपको दूसरा साइड भी करके बताता हूँ, अच्छा इस यहाँ पर करके बताता हूँ। ये देखना ये देखो खतरनाक प्रेशर, देखा ना। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर आप हाथ रखोगे ना इसके सामने तो हाथ भी छेदा हो जाएगा, इस वजह से मैं बोलता हूँ क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसमें। ये देखो ये हमारा बन गया बाइस्कोप, जैसे हम बचपन में देखते थे ना बाइस्कोप, वैसा बन गया वो। ओके चलो मैं काम करता हूँ अभी, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको प्रेशर तो दिखा दिया हूँ। नॉर्मल सच को तो अगर प्रेशर की बात करेंगे ईमानदारी से तो एकदम ज़्यादा लो नहीं है, एकदम ज़्यादा हाई, एकदम ज़्यादा हाई भी नहीं है, कुल मिलाकर मीडियम प्रेशर में ये मशीन है। तो दोस्तों आपने तो देख ही लिया कार कितना गंदा है, पूरा अंदर से कीचड़ से भरा हुआ, तो उसको हम जल्दी से पहले अच्छे से पानी मार लेते ताकि कीचड़ पूरा निकल जाने, तो उसके बाद हम इसको फोम वॉश करके दिखाने वाले हैं। तो आपको जो कार में ना ऐसा पॉइंटेड करके कभी प्रेशर ऐसे मत मारना, थोड़ा सा स्प्रेड कर लेना ताकि पेंट पे ऐसा कोई खराबी ना हो, कोई नुकसान ना हो पेंट पे, है ना। क्या है जब पॉइंटेड करके आप हमेशा कार पे ऐसे पेंट में मारोगे ना तो लॉन्ग टाइम में उसका असर होता है, लॉन्ग टाइम में ख़राब होता है वो पेंट। तो इस वजह से क्या करना है आपको, पॉइंटेड करके कभी नहीं मारना, हल्का सा स्प्रेड करके आपको ऐसे पेंट पे मारना चाहिए। ये देखो देखो कितना फास्ट वॉशिंग हो रहा है, देखो नीचे जैसे देखो ये आपको दिख रहा है कीचड़, देखना जैसे मैं प्रेशर मारूंगा कीचड़ बिल्कुल गायब हो जाएगा। देखो ये देखो देखते देखते गायब,
अरे यार मज़ा ही अलग है ये सब कार वशा जो है ना मेरे को तो बहुत मज़ा आता है ऐसा वॉशिंग करने के लिए इस मशीन से। ओके और ये देखो ये किचन आपको दिख रहा है, ये पल भर में देखना कैसा निकल जाएगा, देखना ये देखो पूरा नीचे मट्टी गिर गया, देखो ये देखो नीचे जमा हो गया, देखो ये देखो कितना सारा कचरा गिरा यहाँ से, और देखो यहाँ पर जो मट्टी भरा हुआ था देखो वहाँ पर बिल्कुल ब्लैक हो गया, जहाँ पर प्रेशर पड़ा वहाँ पर बिल्कुल ब्लैक। और अगर कभी अगर नहीं निकलता प्रेशर तो आपको पॉइंटेड करके मारना है, तो पॉइंटेड मारोगे ना फाड़ देगा एकदम, कचरा का कोई निशाना नहीं रहेगा, कचरा का कोई दाग भी नहीं रहेगा ऊपर, इतना प्रेशर रहेगा खतरनाक। ये देखो सेम ए साइड भी ऐसे पॉइंटेड करके मारोगे तो कीचड़ भी तो सब गायब पल भर में। चलो अब ये भी क्लीन कर लेते हैं, देखो अंदर से कैसा कचरा निकल रहा है, पूरा मट्टी निकल रहा है, और ये देखो यहाँ से भी पूरा गंदा हो गया एकदम, काम तो ज़्यादा ही गंदा है। देखो जहाँ पर प्रेशर मारा वहीं से कचरा पल भर में गायब, वाह मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो फास्ट एकदम, आपको ये पेंट में ज़्यादा ऐसा प्रेशर मारने की जरूरत नहीं है, बस मेन जहाँ पर कीचड़ रहता है ना वहीं पर मारने का रहता है। देखो अभी जैसे कि यहाँ पर अभी फिर से मट्टी है ना, देखो ऐसा प्रेशर मारोगे पल भर में ये मट्टी गायब, ये देखो फास्ट एकदम। तो दोस्तों देखो जैसे कि मशीन तो उस कोने में है ना, लेकिन देखो मशीन से ऐसा पाइप ऐसा घूम के आके देखो कार के यहाँ तक पीछे तक भी आ गया, और फिर भी अभी वहाँ पर एक्स्ट्रा पाइप है तो इतना लंबा पाइप दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, मज़ा आएगा ऐसा वॉशिंग करने के लिए। मशीन लेकर के आपको कार के चारों ओर घूमना नहीं पड़ेगा, देखो मशीन एक जगह पर रखो बाकी कार के चारों ओर ऐसे मस्त अपने इजीली ऐसा वॉश कर लो अपने तरीके से, वाओ ये देखो मज़ा आ गया। मतलब ये जो मशीन है ना एक्चुअली मीडियम रेंज का मशीन है, एकदम लो क्वालिटी भी नहीं एकदम ज़्यादा हाई भी नहीं है, इनमें तो मीडियम है, प्राइस भी तो मीडियम ही है ना, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है काम ऐसा वॉशिंग करने के लिए। ओके ये देखो वाओ। तो दोस्तों फुल कार को अभी अच्छे से पानी मार के हो गया, बाकी आपने तो देखा है कितना सारा मट्टी भी निकला है, बिल्कुल प्रॉपर अभी क्लीन हो गया, आधा तो आधा से ज़्यादा एक्चुअली क्लीन हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको फोम स्प्रे करेंगे, अभी ये भी देखना बाकी है एक्चुअली कि ये जो इस मशीन के साथ फोमिंग करने के टाइम कितना अच्छा परफॉर्मेंस आता है कि ना, अभी वो भी देखेंगे। और रही बात आज का शैम्पू भाई, वो भी कुछ नया है देखना, हट गया शैम्पू, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये नया, ये फर्स्ट टाइम मैं भी यूज़ करने वाला हूँ, दिख रहा है आपको NR कार वॉश शैम्पू, ये देखो। अगर आपको ये शैम्पू भी लेना है ना, बाकी आपको ये मशीन लेना है, जो भी चीज़ आपको लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके खरीद सकते हो। बाकी ये जो शैम्पू की बात करेंगे तो एक्चुअली अभी ये शैम्पू जो ना अमेज़न पे ऑनलाइन अभी तक अवेलेबल नहीं है, थोड़ा प्रोसेस में चालू है, बाकी इसका मैं नंबर दे दूँगा, अगर आपको शैम्पू चाहिए तो आप सीधा कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो, आपको घर में पहुँच जाएंगे ये शैम्पू। दोस्तों वैसे ये जो शैम्पू है ना वो नॉर्मली 1300 रुपये का है, बाकी आपको अभी फिलहाल डिस्काउंट में चल रहा है 1000 रुपये के आसपास चल रहा है, तो आप ले सकते हो ये शैम्पू। बाकी कैसा लेना है कि नहीं वो भी आप डिसाइड करना, पहले इसका परफॉर्मेंस देखो, फोमिंग देखो कैसा इसमें से आता है, फोमिंग कैसा आता है वो आपको देखना जरूरी है, उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको ये शैम्पू लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बाकी मशीन तो आपको पता है नया मशीन, बिल्कुल दमदार मशीन, मज़ा आएगा आज काम करने के लिए, शैम्पू भी नया और बाद में मशीन भी नया। ओके तो अब हम इसमें 100 ml शैम्पू डालेंगे, ज़्यादा का जरूरत नहीं है, नॉर्मली 50 ml से भी काम चलेगा, पर 100 ml डालने से क्या हो जाएगा अच्छा फोमिंग बनेगा, एकदम गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू है देखो ज़रा, वाओ। ओके 100 ml डाल दिया। मुझे तो देखो ऐसा लगा था बबल्स आया सामने से, मुझे तो अभी से फील हो रहा कि भाई ज़बरदस्त होने वाला है। ओके इसका ढक्कन पैक कर लेते, बाकी का इसमें पानी भर देंगे, ये शैम्पू लग गया हाथ में, स्लीपी हो जाएंगे, बस हो गया। ओके बाकी 100 ml शैम्पू में हम पूरा बाकी का फुल पानी भर देंगे, बाकी अब मैं बोलो ना 50 ml डालोगे तो भी चलता है, अभी जैसे अभी इसको अभी शैम्पू डाल दिया पानी डाल दिया, अब हम इसको प्रॉपर ऐसा डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा उसको शेक कर लेंगे ताकि शैम्पू अंदर से अच्छे से मिक्स हो जाए, देखो ऐसा ये हो गया। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे इस गन में, ये देखो ये क्विक कनेक्टर है, इसको हम पहले इसमें कनेक्ट कर लेंगे, यस ये कनेक्ट हो गया, इसको बाद में ऐसा कनेक्ट कर लेंगे, ये रेडी। चलो
सबसे पहले हम व्हील में मारेंगे, देखेंगे कैसा फोमिंग आ रहा है, बाद में फुल कार को स्प्रे कर देंगे। ये देखो फोमिंग, ओ भाई साहब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ये देखो वाओ, ओ हो, ये देखो एकदम एकदम गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू है, देखो वाओ, ये देखो जबरदस्त, मशीन का परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है, बाकी फोमिंग तो आप देख रहे हो एकदम गाढ़ा गाढ़ा फोम निकल रहा है, देखो है ना, कोई इशू नहीं है। बाकी आपको पता है ना कौन सा शैम्पू है, एनआर शैम्पू, एनआर कार वॉश शैम्पू, ओके। बाकी मशीन में भी दम, एक्चुअली देखो अगर इसमें अगर मैश करना रहता है ना, पानी और शैम्पू को मिक्स करना रहता है ना, अगर मशीन में दम नहीं रहेगा ना तो प्रॉपर मिक्स नहीं कर पाएंगे, तो बाद में प्रॉपर फोमिंग नहीं बनेगा। तो फिलहाल तो इसमें अच्छा फोमिंग बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मशीन में भी दम है, ये देखो वाओ वाह भैया मज़ा आ गया, ये देखो ये भाई साहब मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया बिल्कुल, ये देखो मलाई है, बिल्कुल मलाई वो देखो ज़रा, मज़ा आ गया, देखो ज़रा पूरा कार वाइट वाइट हो गया, दोस्तों ये जो फोमिंग मूवमेंट है ना, यही सबसे बेस्ट मूवमेंट लगता है मेरे को, मेरे को तो बहुत मज़ा आ जाता है ये फोमिंग करने के लिए कार में देखो ज़रा पूरा वाइट वाइट हो गया कार, देखो दोस्तों, तो आपने देखा कार बिल्कुल देखो वाइट वाइट हो गया, बिल्कुल शैम्पू से भर गया है। अब हम जल्दी से इसको कपड़ा मार लेंगे, ताकि कपड़ा नहीं मारेंगे तो प्रॉपर ठीक से क्लीन नहीं हो जाएगा, तो कपड़ा अच्छे से मार लेते, बाद में देखना कार ऐसा चकाचक हो जाएगा। बाकी आपने कार तो देखा कितना गंदा था, है ना, चलो बाकी मशीन का परफॉर्मेंस मज़ा आ गया भाई, पैसा वसूल है बिल्कुल एकदम। तो कपड़ा कहाँ है, ओके चलो हम इसको भी फटाफट से कपड़ा मार लेते, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। क्यों पता है, नॉर्मली अगर ये शैम्पू अगर कार में बॉडी में सूख जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, वो फोमिंग करने कोई मतलब नहीं रहेगा, इसीलिए जो कार का बॉडी में जो शैम्पू है वो सूखने से पहले आपको अच्छे से कपड़ा मार लेना है, ये देखो ऐसा फास्ट, और आपको हाथ जो है ना वो लंबा लंबा चलाना है, देखो ऐसा, ये देखो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, नॉर्मली आपका काम जो है ना वो फास्ट हो जाएगा, नहीं तो आप दिन भर कार वॉश करते रह जाओगे है ना। ये देखो ये एक्चुअली मेरा तो फेवरेट काम है कार वॉशिंग करने का, तो भाई मेरे को तो मज़ा ही आता है और मुझे पता है आप लोगों को देखने में मज़ा आता है, तो मैं आप लोगों के देखने के मज़े के लिए, मैं आप लोगों की खुशी के लिए तो ये सब करता हूँ और क्या है ना। तो दोस्तों हमने फुल कार को अच्छे से कपड़ा मार लिया, अब हम पानी मारेंगे, देखना बिल्कुल कार एकदम चकाचक हो जाएगा। ये देखो जहाँ पर हमने प्रेशर मारा शैम्पू वहाँ का गायब, इसलिए ये भी एक ट्रिक है, आपको ऐसा प्रेशर मारने को सही से आना चाहिए, नहीं तो आप दिन भर ऐसा प्रेशर मारते रहो, कहीं शैम्पू वापस रिपीटली जहाँ पर अपने पानी मारा वहीं पर वापस से शैम्पू चला जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो उसको एक टेक्निक होता है, देखो ऐसा एक लाइन से ऐसा मारना है, देखो ये जहाँ मारा वहीं से शैम्पू गायब, ऐसा ये देखो ऐसा है ना, सबको ऐसा आना चाहिए मारने के लिए, देखो ये अब देखो ये इतना ज़्यादा प्रेशर से पानी निकलते दिख रहा ना, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पानी बिल्कुल ना के बराबर खत्म होता है, पानी ज़्यादा लगता ही नहीं है, मतलब दो तीन बाकी में आपका पूरा फुल ऐसा प्रॉपर प्रेशर मार के हो जाएगा, ऐसा ज़्यादा पानी नहीं लगता इसमें, क्या इसमें बोलते हवा मिक्सिंग रहता है, वो एयर फ्लो होकर उसको निकलता है बदल पानी, ये देखो कार एकदम चकाचक हो जाएगा, देखो जरा अभी से कार चमकने लगा है, देखो कितना आसानी से क्लीन हो रहा है, मस्त चकाचक, तो दोस्तों देखो हमने फुल कार को अच्छे से पानी मार लिया, अब देखो कार बिल्कुल एकदम चमक रहा है, बाकी पहले कैसा दिख रहा था अब देखो कैसा दिख रहा है, एकदम चकाचक चमक रहा है एकदम, ये देखो बिल्कुल एकदम चमक रहा है, एक दाग भी नहीं है, एक धब्बे भी नहीं है, बिल्कुल एकदम कार बिल्कुल नया दिख रहा है एकदम चकाचक। तो दोस्तों आपने तो देख लिया इस मशीन का दम जबरदस्त है एकदम, बहुत मज़ा आया आज मुझे काम करके नया मशीन के साथ, है ना। बाकी दोस्तों आपको एक मशीन खरीदना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके मशीन खरीद सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।